उत्तर प्रदेश में अपराध और अपराधियों को लेकर सीएम योगी की जीरो टॉलरेंस की नीति है। इसके बावजूद अपराधी कभी कभी बेखौफ हो जाते हैं और कुछ ऐसा ही मामला देखने को मिला कानपुर में। कानपुर का एक हिस्ट्री शीटर है मैडी, उसके खिलाफ साहिल नाम के एक युवक के परिजनों ने कुछ समय पहले मुकदमा दर्ज कराया था और इसी वजह से वो मुकदमे में साहिल की बहन को गवाही देनी थी। लगातार मैडी के भाई और उसके अन्य साथी इस बात का दबाव बना रहे थे परिजनों के ऊपर कि वो गवाही ना दें, और इसलिए शुक्रवार को वो वहाँ पर जाते भी हैं। शुक्रवार को मैडी के भाई और अपने साथियों के साथ जाता है उस युवती के घर पे, साहिल के परिजनों के घर पे, और वहाँ पर जाके मारपीट भी करता है और उसके बाद ये धमकी देता है कि वो मार देगा अगर उसने गवाही दी तो। लेकिन जब वहाँ पर दाल नहीं गलती है तो उसके बाद मैडी का भाई अपने साथियों के साथ साहिल को पकड़ लेता है रास्ते में और उसके बाद दिन दहाड़े डंडों से पीट पीट कर उसको अधमरा कर देता है। किसी तरह से जब साहिल को अस्पताल ले जाया जाता है तो वहाँ पर उसकी मौत हो जाती है। इस पूरे मामले का, इस पूरे घटना का जो वीडियो था वो सोशल मीडिया पे वायरल हो गया, क्योंकि वहाँ पर मौजूद किसी व्यक्ति ने इस पूरी घटना को होते हुए देखा और उसका वीडियो बना लिया। इस पूरे मामले में पुलिस का क्या कहना है, चलिए आपको वो सुनाते हैं। आज शाम को थाना गोविंद नगर के रतनलाल नगर चौकी क्षेत्र से एक सूचना प्राप्त हुई कि एक व्यक्ति जिसका नाम साहिल पासवान है, जिसकी उम्र लगभग 31 वर्ष है, उसको कुछ लोग लाठी डंडों से मारपीट रहे हैं। इस सूचना पर तत्काल स्थानीय पुलिस के द्वारा रिस्पॉन्ड किया गया एवं मौके से साहिल को अस्पताल इलाज हेतु भेजा गया, जहाँ पर दौरान इलाज उसकी मृत्यु हो गई। इस घटना का त्वरित संज्ञान लेते हुए थाना पर हत्या की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया, जिसमें कि 5 लोग पीड़ित के द्वारा नामजद किए गए। इसमें 5 में से 4 व्यक्ति जिनका नाम है विशाल, विवेक, विक्रम और अक्षय, 4 लोगों को स्थानीय पुलिस के द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया है एवं जो एक व्यक्ति शेष है उसके लिए भी लगातार टीमें दबिश दे रही हैं। प्रकरण में संज्ञान में आया है कि दोनों पक्ष नेबर्स हैं और उनका पुरानी रंजिश दोनों के बीच में चल रही है। इसमें आगे भी अग्रिम वैधानिक कार्रवाई स्थानीय पुलिस के द्वारा की जा रही है। सबसे बड़ी बात यह थी कि शुक्रवार को डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक भी शहर में थे। इसके बावजूद अपराधियों का खौफ इतना ज़्यादा था कि उन्होंने दिन दहाड़े बिल्कुल हत्या कर दी सड़क पर युवक की पीट पीट कर। ये भी एक बड़ा सवालिया निशान खड़ा करता है। हालांकि इस पूरे मामले में पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने की बात कही है। अनुराग अग्रवाल, TV9, कानपुर।